الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون। मोहतरम सामईन कराम और उम्मत के नौजवानों, जिस आयत को मैंने तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत ही वाज़े पैगाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उम्मत को पहुंचाई गई कि आप कह दें कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इसी की पैरवी करो, इसी पर चलो और दूसरे रास्तों की तरफ ना देखो। फत्तबिउहू वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, दूसरे रास्तों की तरफ जाओगे देखोगे तो वो तुम्हें सीधे रास्ते से भटका देंगे, इसी बात की तुम्हें वसीयत की जाती है। तो ये बहुत ही वाज़े पैगाम है। मैं अपनी बात को तूल ना देते हुए, वक्त का ख्याल रखते हुए मैं बिल्कुल अपने मौजू पे आऊँगा कि मौजूदा दौर में ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि मौजूदा दौर में ख़ास तौर से पिछली सदी ईस्वी के अंदर 1924 के बाद या 23 के बाद जब हुकूमत जो तुर्की के अंदर मुसलमानों की थी एक तरह से, तो उसके बाद जब वहाँ का खात्मा हुआ है तो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन ख़ास तौर से अरबों में बरसगीर पाक व हिंद वगैरह के अंदर मुख्तलिफ तरीके इस्लाही तंजीमों ने जन्म लिया, वहीं पर कुछ खारजी तंजीमों ने भी जन्म लिया अपने हिसाब से। उन्हीं में से यह इख्वानुल मुस्लिमून है जो 1928 ईस्वी के अंदर मिस्र के अंदर ये जमात पैदा हुई जिसको हसन बन्ना ने बनाया था। और आपको ताज्जुब होगा कि उस वक्त 1928 में 500 पौंड ब्रिटिश जो रुपया होता है 500 पौंड बरतानिया ने दिया था हसन बन्ना को इस्माइलिया नामी जगह में जो सईद पोर्ट के पास जो बहुत ही उस वक्त बड़ा शहर माना जाता था। अक्सर फॉरेन कंपनियां वहां पर होती थी, वहां पर इस तंजीम को बनाने के लिए कहा गया था उनके चंदे से। बाद में उन्होंने ताबीन किया मुख्तलिफ तरीके से। तो आप सोच सकते हैं कि इस तंजीम को किसने बनवाया है। इसीलिए अल्लामा अहमद महमूद शाकिर रहमतुल्लाह जो बहुत बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं मिस्र के अंदर, बहुत सारी किताबों पर उन्होंने तहकीक की है, उन्होंने सराहत के साथ लिखा है कि मैं यकीन से कहता हूँ कि इस तंजीम को के पीछे जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, अंग्रेज़ हैं, उन्हीं के ताउन से ये तंजीम चल रही है। आप देखें कितने अवकात गुजर गए, कितना ज़माना गुजर गया इस तंजीम को बनाए हुए, किस चीज़ के नाम पे, दीन के नाम पे। लेकिन इन लोगों ने सिवाय फसाद के, बगावत के, खुरूज के, कत्लो गारतगरी के और कुछ नहीं किया। पूरी इनकी तारीख है मिस्र से लेकर के तमाम जो अरब ममालिक तक जहाँ तक ये फैले हैं, इनकी एक सोच होती है कि कहीं भी रहे वहाँ पर हुकूमतों के खिलाफ काम करें। ये हुकूमत के अंदर हुकूमत बनाते हैं, कोई भी हुकूमत हो, मुस्लिम हुकूमत हो, काफिर हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, ये कोई नहीं बर्दाश्त करेगा कि उसकी हुकूमत के अंदर कोई हुकूमत बनाए, कोई हुकूमत चलाए, कैसी भी हुकूमत हो। इनका सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है कि जहां भी ये रहते हैं वहां हुकूमत के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई करना। आप ये चीज इनकी किताबों में देखोगे, इनके जो बड़े बड़े पीर और मुर्शिदीन हैं उन्होंने लिख रखा है, सैयद कुतुब
कि कहीं भी रहो। इसी से उन लोगों ने एक शऊरी गोशा नशीनी की इस्तेलाह टर्मिनोलॉजी बनाई है। शऊरी गोशा नशीनी का मतलब ही होता है, ये सैयद कुतुब की खास तौर से जो मालिम फित तरीक जो उनकी किताब है और उर्दू में तर्जमे अंग्रेजी में तर्जमे बहुत इसके हैं, और तकरीबन हर जो खास तौर से हिंदू पाक पे बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है ये लोग उसको लेके पढ़ते हैं, हमेशा अपने साथ उसको रखते हैं। उसके अंदर तरह तरह के इन्होंने एक अपनी एक जमात होनी चाहिए, और वो गर्चे लोगों के बीच में रहे शौरी तौर पर उनसे अलग रहे, अपने आप को अलग थलग महसूस करे, अलग थलग महसूस करे और अपने मुताबिक काम करे, समाज में रहे लेकिन फिजिकली समाज में रहे लेकिन शौरी और ख्याली और जहनी तौर पर उनसे बिल्कुल अलग थलग रहे, उनका अपना अलग मामला होना चाहिए। मौदूदी ने अपनी किताब के अंदर बाकायदा सराहत के साथ लिखा है कि आप जहां कहीं भी रहें हर एक पर जरूरी है कि वो अपने वक्त अपने मुल्क के जो निज़ाम है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हर कोई काम करे, जो तागुती निज़ाम है उसको उखाड़ फेंकने के लिए अपनी अपनी जगह हर कोई काम करे। इसका मतलब क्या है, इन गोया वो कहीं भी आप हैं उनकी नज़र में सारी हुकूमतें तागुती हैं, सब तागुत हैं, उनके यहाँ कोई भी हुकूमत उनके यहाँ ठीक नहीं है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए काम करें। आपके पास क्या ताकत है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, उससे कतई नज़र, बल्कि डॉक्टर सरार की तो मुख्तलिफ तकरीरों में आपको मिलेगी, अपनी ताकत भर तन मन धन के साथ आप ये काम करें, जो भी हुकूमत है उसको वहां पे रहने नहीं देना, उसको उखाड़ फेंकने के लिए काम करना है। कौन सा, इस्लामी खिलाफत लाने के लिए। आप कुफ्रिस्तान में हैं वहां भी वो यही चीज करते हैं, इससे क्या होता है, नौजवान उनकी बातों को सुन करके जज्बे में आ जाता है, जोश में आ जाता है और वो सारी हरकतें करने लगता है। उसे नहीं पता कि इस्लामी उसूल क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात क्या हैं, कुरान और हदीस का जाब्ता क्या है, सलफ का मनहज क्या है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मुसलमानों पर दो तरह के हालात होते हैं, एक ताकत और एक कमजोरी, दोनों तरह से अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह ताला कभी ताकत अता करता है और कभी कमजोर बना देता है, ताकि दोनों सूरत में वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है या नहीं करता है। तो हर तरह से अल्लाह ताला आजमाता है, ताकत भी देता है, और ताकत जब देता है तो अल्लाह ताला उसको हुकूमत भी देता है, बादशाहत भी देता है। और ये हुकूमत और बादशाहत जो है ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। अल्लाह ताला तो बादशाहत वादा करने वाला है, जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता छीन लेता है। तो ये इनाम है। आप देखें बनू इसराइल पर अल्लाह ताला ने एहसान जिताते हुए एक एहसान ये भी जिताया है कि वह आतना मुल्क नजीमा, हमने उनको एक बड़ी बादशाहत दी थी। आप देखेंगे कुरान में जा बजा बादशाहत की फजीलत बयान की गई है, उसे एक अजीम नेमत बताया गया है। और ये कहा गया कि अगर तुम ईमान लाओगे, अच्छा अमल करोगे, नमाज कायम करोगे, सिर्फ मेरी इबादत करोगे, शिर्क से दूर रहोगे, तो जैसे पहले लोगों को मैंने बादशाहत अता की है तुमको भी अता करेंगे। ये क्या है, ये अल्लाह यानी गोया अल्लाह देगा, अल्लाह अता करेगा एक इनाम, जैसे अल्लाह ताला ने जन्नत देने का वादा किया है, कुछ काम करोगे दुनिया के अंदर तमकिनत और मजबूती और हुकूमत अता करेगा, अल्लाह ताला जो है खैर भलाई से नवाजेगा, कामयाबी से नवाजेगा, जब उसके लिए कुछ करोगे, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसको बजा लाओगे। तो जैसे बहुत सारी नेमतें दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला देता है, उसी तरह से एक नेमत है बादशाहत और हुकूमत। ये किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो एक तंजीम चलाए, एक जो है तहरीक चलाए कि हम जो है खिलाफत कायम करना चाहते हैं और ऐसे कायम हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। और कोई भी नबी हुकूमत और इख्तदार और खिलाफत और सियासत कायम करने के लिए नहीं आया,
जैसा कि ये लोग इस्लाम की गलत तशरीह पेश करते हैं। इकामत दीन का जहां जहां लफ्ज आया है उसकी गलत तशरीह पेश करते हैं। इकामत दीन का मतलब क्या होता है? दीन के अहकामात पर अमल करना, उसके फराइज पर अमल करना, उसकी पाबंदी करना और दूसरों को भी उसका हुक्म देना। अंबिया को ही हुक्म दिया गया है अनकीमुद्दीन वला ततफरकु फी। तो दीन को जैसे एज इट इज अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उसी तरीके से उस पर अमल करना और दूसरों को उसकी तरफ बुलाना। आप सूरह असर पढ़े उसमें सारी चीजें वाजे हो जाएगी। तमाम नबी से क्या कहा गया? अन इबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत। या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु वलकद बअसना फी कुल उम्मतिन रसूलन अन इबुदुल्लाह वस्तनिबुत तागूत। आपको जगह जगह मिलेगा कि सारे अंबिया ने जो पैगाम दिया है, जिस मकसद को दे करके भेजा गया, उनका टारगेट क्या था कि जाओ उम्मत भटक चुकी है, इंसानियत जो है हमारी इबादत को छोड़ चुकी है, उनको राह हिदायत पे लाओ, राह रास्त पर लाओ और हमारी इबादत की तरफ लाओ। अंबिया ने सब ने लोगों को अल्लाह की इबादत और इताअत की तरफ लाया और उनको शिर्क से रोका, बुराई से रोका। ये अंबिया का काम था, सारे अंबिया का ये काम था। जबकि ये लोग कहते हैं कि उनका काम था हुकूमत कायम करना, इसका मतलब कोई कामयाब नहीं हुआ, सब नाकाम हो गए। बल्कि उन लोगों ने तो कहा भी कि कुछ अंबिया कामयाब हुए हैं, या तो कुछ अंबिया कामयाब हुए, सब नाकाम हो गए और ये लोग कामयाब हैं, सब नाकाम हो गए, कोई नबी जो हुकूमत कायम करने नहीं आए थे। आखिरी नबी जाहिर सी बात है जो खातमुर रसूल सैयदुल मुर्सलीन है। आप अगर हुकूमत कायम करने आए होते तो मक्का में आपको हुकूमत दी जा रही थी। अगर वही असल मकसद होता जैसा कि ये लोग साबित करते हैं, मौदूदी ने अपनी किताब के अंदर बाकायदा लिखा है कि असल जो टारगेट है वो इकामत दीन नहीं, हुकूमत का कायम करना है और बाकी जो चीजें हैं वो सब ट्रेनिंग है। नऊज बिल्ला, नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है, ये सब उसी असल मकसद के हुसूल के लिए ट्रेनिंग के तौर पर है। यानी जो असल मकसद इबादत है उसको इन्होंने ट्रेनिंग एक उसीला बता दिया और हुकूमत वगैरह ये सब नेमत है, एक जरिया है, एक जरिया आप कह सकते हैं, वसीला कह सकते हैं, अल्लाह की तरफ से नेमत है, उसको उन्होंने असल टारगेट बता दिया। और जो इबादात हैं जिसके लिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हसर का सेगा यहां पर इस्तेमाल किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है इबादत के लिए पैदा किया है यहां पर और किसी मकसद के लिए, बाकी दूसरी चीजें वसाइल हैं। दुनिया को कमाना ये भी वसीला है, इंसान पैसा कमाएगा, उसके पास मजबूती आएगी ताकि वो और अच्छे से अल्लाह ताला की इबादत और इताअत के काम कर सके, अपनी आखिरत को मजबूत बना सके। क्योंकि कमजोरी अगर होगी तो उस कदर वो मजबूत नहीं बना सकेगा, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मोमिन अल कवी अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिन अज़्ज़ईफ, कि जो ताकतवर मजबूत, चाहे ईमानी एतबार से, रूहानी एतबार से और बदनी एतबार से भी, जो ताकतवर है वो अल्लाह के यहां ज्यादा महबूब है उस कमजोर के मुकाबले में, चाहे ईमान में कमजोर है या बदन में कमजोर, तो अल्लाह के यहां ज्यादा महबूब है वो। इसलिए ये लोग आमतौर से जो दीनी तशरियात हैं, उसूल हैं, उनकी गलत तशरीह करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह उसका माना पूरी दुनिया आज तक क्या समझती थी कि इसका मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी इलाह का लफ्ज जो इसके अंदर आए वो माबूद के माने में, माबूद के माने में। और सब यही जानते हैं कुरान में जहां भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है माबूद के माने में, और जिसका मतलब ही होता है, जिसकी गवाही लोग देते हैं इस्लाम में आने के बाद कि अब हम अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत और इताअत नहीं करेंगे, सबसे बरात का इजहार करते हैं। अब हम इबादत करेंगे तो सिर्फ अल्लाह की, इताअत करेंगे तो सिर्फ अल्लाह की, इसी चीज की गवाही होती है। कुफारे मक्का इसीलिए जो है भागते थे ला इलाहा इल्लल्लाह से, कि भाई इसका मतलब यह है कि सिर्फ सबको हम छोड़ दें, अपने माबूदों को छोड़ के सिर्फ एक ही को मानने। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात की तरफ दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, इसका मतलब क्या है? यानी हम अपने माबूदों को छोड़ दें, सिर्फ एक माबूद को माने। वो लोग तो समझते थे, आज ये लोग गलत तशरीह कर रहे हैं।
चाहे वो मौलाना मोदी जी हो, सैयद कुतुब हो या कोई भी इनके यहाँ, ये लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर इसरार हो और दूसरे जो इस्लाम की गलत तशरी लोगों के पास पेश कर रहे हैं अपनी तहरीरों के जरिए से, अपनी तकरीरों के जरिए से, ये उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ इला का माना हाकिम है, हाकिम है मतलब ला हाकिम है इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं। अगर ये माना ले लिया जाए ला इलाहा इल्लल्लाह का कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम, तो यही तो असल टारगेट है, कलमे तौहीद असल है, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। अगर ये मुराद ले लिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यानी हमें सिर्फ हुकूमत के लिए काम करना, अल्लाह को हाकिम मान करके बैठ जाओ और इसके अलावा फिर माबूद वगैरह इबादत और बंदगी का क्या माना रह जाएगा, उसका माना सानवी दर्जा हो जाएगा। जबकि ये मालूम होना चाहिए कि हाकिम जो है अल्लाह ताला की जो एक सिफत है हाकिम, ये तौहीद रुबूबियत में शामिल है। अल्लाह ताला जिसको हम रब मानते हैं, रब्बुल आलमीन मानते हैं, उसके अंदर ये हाकिम है, रब का मालिक ही, रब का माना ही होता है कि अल्लाह ताला खालिक है, हाकिम है, मालिक है, राजिक है, वो सारी कायनात को तदबीर करने वाला है, चलाने वाला है, सबको रोजी देने वाला है, सबका खालिक है, सब पर उसकी हुकूमत चलती है, ये रब का माना है, इसको तौहीद रुबूबियत कहते हैं। यानी तौहीद रुबूबियत का एक जुज है, एक हिस्सा है क्या, हाकिम और हाकमियत। तो हाकिमियत जिसको हम कहते हैं या हुकूमत जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की हुकूमत सब पर है, ये कहते हैं कि हम हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे। अरे तुम क्या कायम करोगे, अल्लाह ताला की हुकूमत सब पर है, उसके हुक्म के बगैर, उसके आर्डर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपको दीन नाफिज करना है, आपको दीन पर अमल करना है, सबसे पहले आप दीन की पाबंदी करो, ये हुक्म है दीन के अंदर, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो हुक्म है कि दीन की पाबंदी खुद करो और फिर उसकी तबलीग करो, दूसरों के सामने उसे पेश करो। इस्लाम क्या कहता है पहले उस पर आप खुद अमल करो, फिर उसके बाद दूसरों के सामने उसको पेश करो। लेकिन यह इन लोगों का दूसरा मकसद है। आप देखें अगर इनका मकसद होता इस्लामी शरीयत का नाफिज करना, तो ये जो ईरान के अंदर जो खुमैनी ने बगावत के जरिए से लाखों लोगों को मार करके कत्ल करके वहां हुकूमत कायम की है, वो कौन सी हुकूमत थी, जो सहाबा का दुश्मन, सहाबा को गाली देने वाला, उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों को गाली देने वाला, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिसकी जिनकी तस्दीक कुरान करता है आसमान से, उसको नऊज़बिल्लाह जो है जहन्नमी कहने वाला, ऐसे मरदूद शख्स को मैन ऑफ द गार्ड कहने वाला, कौन है मौदूदी। मैन ऑफ द गार्ड का मतलब क्या होता है, यानी ये अल्लाह का वली है। पूरे ईरान वालों ने का साथ दिया, उन्होंने इस्लामी हुकूमत कायम की, दुनिया के सामने एक मॉडल पेश किया, उसी तरीके से हमें पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में करना चाहिए। ये कौन है, ये मौजूदगी है, और उनके नक्शे कदम पर चल करके डॉक्टर इसरार वगैरह ने यही बात पेश की है, बिल्कुल वही बात कही है, आयतुल्लाह उसको अल्लाह की निशानी, किसको, खुमैनी को। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ऐसा मरदूद इंसान जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के गोद में पल करके वहां सब ट्रेनिंग लेकर के बीसियों साल और जेट तैयारे के साथ अमरीकी और फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के साथ और उनकी कमांडर फौज के साथ उसको बाकायदा जेट तैयारे में ला करके तेहरान में उतारा गया पूरी हिफाजत के साथ ताकि वो हुकूमत अपने कंट्रोल में ले, ये जो मुसलमानों के कट्टर दुश्मन है, चाहे वो फ्रांस हो या अमरीका हो या बर्तानिया, वो लोग क्या इस्लामी हुकूमत ऐसे कायम करने के लिए राह हमवार करेंगे और उसके रहनुमा को अपने यहां पालेंगे, ये कोई सोच सकता है, 20 साल तक उसको ट्रेनिंग देंगे। और ये लोग कहते हैं कि उन्होंने आकर के जो 2000 साल से शाही हुकूमत चली आ रही थी उसका खात्मा कर दिया और इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी डॉक्टर इसरार ने। मैं पूछता हूं कि 2000 साल से वहां पर कौन सी बादशाही हुकूमत थी भाई, 1400 साल पहले तो सहाबे किराम ने, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह उन्होंने और दीगर सहाबा ने सासानी हुकूमत जो पहले से वहां चली आ रही थी उसका खात्मा कर दिया था सहाबा ने। ईरान के अंदर जो बादशाही हुकूमत पहले से चली आ रही थी
उसका खात्मा तो मुसलमानों ने कर दिया था आज से 1400 साल पहले सहाबे किराम ने। तो ये 2000 साल से चली आ रही हुकूमत को यानी सासानी हुकूमत को, गोया बादशाही हुकूमत को इन्होंने खत्म किया, बीच में कोई वक्फा ही नहीं है, जबकि सफवी हुकूमत चली आ रही थी उससे पहले 300 साल पहले से, उसी का खात्मा किया ये जो शाही हुकूमत थी। लेकिन उसका तसलसल वो सासानी हुकूमत तक करते हैं, इन बिल्कुल राफिजियों वाली बोली है इन लोगों की, और उसको एक मॉडल के तौर पर पेश करते हैं पूरे यानी ईरानी हुकूमत को, जो कि सहाबा दुश्मन राफिजी हुकूमत है उसको इन्होंने पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में एक मॉडल बना के पेश किया और कहा कि वही तो एक इस्लामी हुकूमत है, उसके अलावा सब तागूत है नऊज़ बिल्ला। यानी जो मुसलमानों का कातिल है, जिन्होंने ईरान इराक, ईरान में सबसे बड़ा इलाका जो अहवास का है सुन्नी मुसलमानों का, फिलिस्तीन का 4 गुना बड़ा इलाका है, उस पर कब्जा करके वहां जो कि जहां पर सारा खजाना है तेल वगैरह सब वहीं से निकलता है, वो सुन्नी अरब इलाका है अहवास, उस पर कब्जा करके वहां के लोगों को मारना सताना बगैर मुकदमे के जेल में डाल देना, फांसी देना आए दिन, ये कहां हो रहा है? ईरान में हो रहा है, लेकिन इसको दुनिया से छुपाया जाता है, कोई नहीं दिखाता है। फिलिस्तीन से ज्यादा जुल्म हुआ होता है अहवास में, कितने लोगों को वहां मारा जाता है, सताया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, फांसी से खुलेआम फांसी दी जाती है, गद्दारी के नाम पे सरेआम इसे फांसी दी जाती है अहवाजियों को। फिलिस्तीन के 3 गुना ज्यादा बड़ा इलाका है वो, उसकी कोई बात नहीं करता है, और कहते हैं कि इस्लामी हुकूमत है इस्लामी हुकूमत। ये कौन लोग मशहूर करते हैं? यही लोग मशहूर करते हैं, यही लोग मॉडल बना के पेश करते हैं। यूसुफ करजावी ने यही बात कही है, मौदूदी ने यही बात कही है, और डॉक्टर इसराम ने यही बात कही है। करजावी ने कहा कि यहां पर ईरान में इस वक्त इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 इस्लामी हुकूमत है, एक ईरान के अंदर है और एक सूडान के अंदर। उस वक्त हसन तुराबी की हुकूमत थी, वो जो मर्दूद एक मुल्हिद किस्म का इंसान था, लेकिन चूंकि वो इख्वान मुस्लिमून का था इसलिए वो इस्लामी हुकूमत हो गई, इस्लामी हुकूमत हो गई। वो उसके अंदर इलाहाद पाया जाता था, वो इस्लामी जो कानून है और दस्तूर है कुरान हदीस के जो मसाइल हैं उनको नए सिरे से चेंज और तब्दील करने की बात करता था, और किताबें भी उस पर उसने लिखी हैं। वो जो दीन के जो मसाइल हैं, अहकाम हैं, अस्कार हैं, हज उमरा वगैरह के जो मनासिक हैं उनका मजाक उड़ाता था, तस्बीह वगैरह का मजाक उड़ाना, बहुत सारी चीजों का इलाहाद उसके अंदर पाया जाता था। लेकिन वो क्या है, इख्वानुल मुस्लिमून से जुड़ा था तो वो इस्लामी हुकूमत। इन लोगों ने जहां जहां हुकूमत की है, मिसाल के तौर पर आप देखेंगे, ये पहले शरीयत की बात करते हैं, पहले जो हुकूमत है उसको कहेंगे तागूत, कहेंगे ये शाही हुकूमत है, ये तागूत है, ऐसा है वैसा है। आप ये बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारी बादशाहतें थी, इमारतें थी जगह जगह, आपने किसी को कहा ऐसा? आपने बहुत सारे लोगों के पास उस वक्त मौजूद जितनी हुकूमतें थी सबके पास आपने खत भेजे, लेटर भेजे, उसमें क्या लिखा रहा? इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ करेगा और तुम्हें जो पहले हुकूमत है वैसे ही तुम हाकिम बने रहोगे, और अगर इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दोहरा जो है गुनाह देगा क्योंकि तुम हाकिम हो। तो ये आप लिखते थे, आप ये कभी नहीं कहते थे कि जो है तुमको छोड़ना पड़ेगा और वहां जो है उस हुकूमत को खत्म कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे ही एज इट इज जैसे तुम हाकिम हो वैसे तुम हाकिम बने रहोगे। जब जंग कादसिया हुई थी, रुस्तम से जो मुजाकरा हुआ, इस्लामी जो जनरल थे सहाबा थे, चाहे वो रिबई बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु हो या मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु या आमिर बिन आस हो, इन लोगों से जो मुजाकरा हुआ रुस्तम के दरमियान, आप देखें साफ साफ इन्होंने कहा कि अगर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लेते हो तो फिर हम यहां से चले जाएंगे, हम कभी नहीं आएंगे यहां पर सिवाय तिजारत की गर्ज से या कोई दूसरा मसला होगा, जरूरत होगी हमें तब हम आएंगे दीन की तबलीग के लिए, वरना हम कभी नहीं आएंगे, तुम्हारी जैसे हुकूमत है वैसी ही रहेगी, हम इस्लाम को फैलाने के लिए आए, हमारा और कोई दूसरा मकसद नहीं है तुमसे, तुम जैसे हाकिम हो ऐसे ही रहोगे,
हम यहाँ और किसी हम जो किसी मुल्क को या किसी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए नहीं आते। हमारा मकसद है दीन को फैलाना। जो इस मकसद के आड़े आएगा, टकराएगा, तो हम जो है उससे लड़ाई करते हैं। ये उसने बात बताई। रुस्तम ने कहा ठीक है, हम मशवरा करते हैं। तो उसने मशवरा जब किया तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। फिर वो लड़ाई हुई, फिर उसका खात्मा हुआ। ऐसे ही आप देखें नजाशी बादशाह, उस नजाशी बादशाह अल्लाह के रसूल ने उसकी तारीफ की क्योंकि वो इंसाफ पसंद था। मक्का के अंदर आते सहाबे किराम से कहा कि यहां सताए जा रहे हो, तुमको हिजरत करना है, चले जाओ हफ्सा चले जाओ। फैन बेहा हाकिम ला यज़लम इंदो, वहां पर एक हाकिम रहता है जिसके पास जुल्म नहीं होता, वो इंसाफ पसंद है। आपने उसकी तारीफ की और उसकी तारीफ करते हुए आपने उसको रजुलन सवाले का, नेक आदमी वहां रहता है, वहां जाओ। सहाबे किराम गए, वहां पर थे, वहां उन्होंने दीन की तबलीग की और वो आदमी मुसलमान हो गया। नजाशी जो बादशाह था वो इस्लाम ले आया। क्या कभी कहीं लिखा है कि आपने उसको जो है बादशाह छोड़ने के लिए कहा, कोई दूसरा निजाम बनाने के लिए कहा? कहीं नहीं। उसकी जब वफात होती है तो अल्लाह के रसूल जनाजा पढ़ते हैं उसके ऊपर और कहते हैं कि तुम्हारा भाई वहां इंतकाल हो गया है, और सब बना लो, उसका जनाजा पढ़ना है। तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है। कौन सा भाई? मोमिन भाई, रजुलुन सवाले, मोमिन भाई, इंसाफ पसंद। ये सब किसके लिए कह रहे हैं अल्लाह के रसूल? एक बादशाह के लिए। और इंसाफ पसंद बादशाह तो उस वक्त कहा जब वो काफिर था, ईसाई था। लेकिन तुम्हारा भाई और रजुलुन सवाले नेक आदमी इस्लाम लाने के बाद आपने कहा। तो बादशाहत अगर बुरी चीज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उसकी मजम्मत करते कि नहीं करते? कहीं पर मजम्मत आई है, कहीं पर नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग चूंकि आलम इस्लाम का जो कल्ब है, जो असल है, बुनियाद है, अरब ममालिक, वहां पर बादशाहते हैं, बादशाहत है, तो ये लोग उसकी मजम्मत करते हैं, वरना और कोई वजह नहीं है। जबकि बादशाहत फिल वक्त इस्लाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो हुक्मरानी का निजाम है, निजाम हुक्मरानी का सिर्फ दो ही आप स्टाइल पाओगे, दो ही तरीका पाओगे, और दोनों को मकबूल समझा गया है, दोनों को काबिल कबूल समझा गया। वो कौन सा? एक शूराई खिलाफत और दूसरा जो है गलबे वाली हुकूमत, जिसको बादशाहत कहते हैं। गलबे वाली खिलाफत बादशाहत दोनों एक ही चीज है। ये कंफ्यूजन है कि खिलाफत और मुलुकियत अलग अलग कोई चीज नहीं, दोनों का माना हुकूमत होता है। इस्लामी किताबों के अंदर खिलाफत है, हुकूमत है, इमामत है, बादशाहत है यानी मुलुकियत, सबका इस्तेमाल हुआ है, सब एक माने में है। लेकिन उसमें एक तो शूराई निजाम है और अगर वैसा नामुमकिन हो तो ये गलबे वाली है, दोनों काबिल कबूल है। लेकिन बेहतर इसमें पहला और दूसरा उससे कम दर्जा है। आपको पूरी इस्लामी तारीख में यही दोनों सूरत नजर आएगी, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। ये जो जमहूरियत का सिस्टम है ये यहूदियों का बनाया हुआ है, यूरोप का बनाया हुआ है। इसके अंदर जो फसाद है वो किसी चीज के अंदर नहीं है। मैं बताता हूं आपको फसाद क्या। एक शाही निजाम जहां पे होता है वहां पर एक खानदान होता है, वो पूरे मुल्क पर हुकूमत करता है, वो पूरे मुल्क पर हुकूमत करता है, वो पूरे मुल्क को अपना हिस्सा समझता है, अपना घर समझता है और उसकी हिफाजत करता है क्योंकि वहां का वो हाकिम है। जैसे उसका अपना घर है वैसे पूरे मुल्क को समझता है। एक खानदान वो कितना खाएगा? जो भी मिसाल के तौर पर अगर वो इंसाफ पसंद है, दोनों तरह हो सकता है, इंसाफ पसंद भी हो सकता है, आदिल भी हो सकता है और जालिम भी हो सकता है, गैर इंसाफ पसंद भी हो सकता है। अगर वो इंसाफ पसंद है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर इंसाफ पसंद नहीं है तो ये खानदान वो कितना खाएगा, कितना करेगा जुल्म, हुकूक कितना मारेगा? लेकिन वो पूरे मुल्क को अपना समझता है, वहां पर जो बगावत होगी रोकेगा, जो वहां पे फसाद होगा उसको रोकेगा, फितना होगा उसको दबाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि अमनो अमान कायम रहे क्योंकि वो उसको अपना घर समझता है, चलाता है। तो ये बादशाही निजाम है। लेकिन जहां पे दस्तूरी निजाम, ये जमहूरी निजाम होता है, वहां पर क्या होता है, चार पांच साल मुद्दत मुतय्यन कर दी जाती है, एक पार्टी आती है हजारों अपने बंदों के साथ, वो मुल्क पर हुकूमत करती है, मुल्क का जो खजाना होता है और उसके जितने जो है सोर्स ऑफ मनी होते हैं सब पर काबिज हो जाती है।
वो एक पार्टी अपने तमाम कारिंदों के साथ, उसने जो पैसा खर्च किया है हुकूमत में आने के लिए, जो मेहनत की है, जो तगोदो की है, वो सब वसूलती अच्छे से, और उसके जितने बंदे होते हैं सब पूरे मुल्क पर जगह जगह करप्शन करते हैं, बदउनवानी करते हैं, और पूरा पैसा जो है मुल्क का वो खाते हैं, अवाम तक पहुंचने नहीं देते। चार पांच साल के बाद क्या होता है, वो पार्टी चली जाती है, दूसरी पार्टी आती है, लोग कहते हैं ये नहीं, इसको अब हम वोट नहीं देंगे, काम करने वाली पार्टी होनी चाहिए, दूसरी पार्टी आती है हुकूमत करती है, उसी तरीके से वो भी पूरे सोर्स पे काबिज हो जाती है, मुल्क की दौलत पे काबिज हो जाती है, वो भी उसी तरीके से अपना हिसाब चुकाती है। इस तरीके से मुल्क को बारी बारी चार पांच साल के अंदर सब लोग लूटते हैं, हजारों लोग मिलकर के, हजारों खानदान मिलकर के लूटते हैं, एक मुल्क को बारी बारी लूटते हैं। इसलिए आप देखेंगे ये अफ्रीका में सब जमहूरी निजाम का है, कायम है, ये सब पूरा साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, ये पूरा और पूरा वेस्ट ईस्ट एशिया जितना सब है, सब क्या निजाम है, सब जमहूरी निजाम है। जितने मुसलमान 54-56 ममालिक हैं, अरब ममालिक को छोड़ के अक्सर जगह क्या है, सब जमहूरी निजाम है। आप बताएं कहां पर दौलत ज्यादा है, कहां पर तौहीद ज्यादा पाया जाता है। आप देखेंगे जितने जमहूरी निजाम है, जहां जहां वहां करप्शन है, वहां के लोग बदहाल हैं, वहां के लोग परेशान हैं, सब मजारों पे भटक रहे हैं, अल्लाह को छोड़ करके मजारों पे भटक रहे हैं, गैरुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, और पूरी हुकूमत वहां की बदहाल है, परेशान हाल है, इधर उधर दूसरे मुल्कों में कमाने के लिए जा रहे हैं। जितनी जमहूरी हुकूमतें हैं, एटमी ताकत भी है तो कोई फायदा नहीं, पाकिस्तान एटमी ताकत है लेकिन क्या है, सबसे बदहाल मुल्क है। आप किसी भी इस्लामी मुल्क का नाम ले लो जहां पे जमहूरी निजाम है, लेकिन जो अरब ममालिक हैं जहां पे शाही निजाम है, वहां की आप मिसाल देख लो, हर चीज में वो आगे और आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे आप जाओ कोई मजार नहीं देखोगे, कोई बाबी बाबा, कोई जादूगर, कोई नहीं देखोगे वहां, ऐसे लगता है कोई शैतान भूत जिन्नात रहते ही नहीं, कोई जादूगर वहां रहता ही नहीं, वहां पर कोई बाबा कोई मजार नहीं है, वहां मस्जिदें हैं, मस्जिदों में तौहीद का दर्श होता है, कुरान और हदीस का दर्श होता है, जुमा का खुतबा होता, कहते वहां उलमा को दबा के रखा जाता है, वो पढ़ते हैं किताब देख करके, अरे किताब देख कर पढ़े चाहे बगैर किताब देख करके पढ़े, लेकिन पढ़ते क्या है ये असल मतलब है, वो क्या पढ़ते हैं, वो हदीस पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो तौहीद का दर्श देते हैं, लोगों को शिर्क से रोकते हैं, यही इस्लाम के अंदर मतलब है। ये अंबिया का मिशन है, अंबिया की यही दावत है, वहां के उलमा वही काम कर रहे हैं जो अंबिया करते हैं, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। आप इसीलिए वहां नहीं कोई चीज देखोगे इस तरह के, और वहां की पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है, और ज्यादा फिक्र भी नहीं रहती कि हुकूमत क्या है और क्या नहीं है, सियासत क्या है, जिसका जो काम है वो कर रहे हैं और अपने काम में मगन है सब, और वहां हर तरह की खुशहाली है, हर तरह की तरक्की है, दुनियावी एतबार से भी वो खुशहाल है और दीनी एतबार से भी वो मालामाल है, क्योंकि तौहीद उनके पास, तौहीद से बड़ी दौलत कोई चीज हो ही नहीं सकती है। और जितना नफरत वो शिर्क से करते हैं, बिदात से करते हैं, उतना नफरत और किसी चीज से वो नहीं करते हैं। इसके अलावा जो दीगर अखलाकी बुराई है और दूसरी चीजें हैं, वो तो हर जगह वो इंसानी फितरत में, लेकिन जो असल मतलूब है वो चीज जो वहां पर है वो कहीं पर नहीं है। इसे पता क्या चला कि ये जमहूरी निजाम ये सब सिर्फ धोखा है। और मैं इसलिए जमहूरी निजाम की बात कर रहा हूं क्योंकि इस लोग जो इख्वानुल मुस्लिमून या जमात इस्लामी वगैरह आए, ये लोग कह रहे हैं कि जमहूरी निजाम सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, क्योंकि उसका ये हिस्सा बनते हैं, उसके साथ ये काम करते हैं, लेकिन जो जो असल ताकत है उसका जो है ये हिस्सा बन रहे हैं, और जिसकी हुकूमत से शरीयत में जिसकी इजाजत है उसको ये ताकत बना के पेश करते हैं। मकसद क्या होता है, वही दुश्मनों का असल साथ देना, ताकि जो इस्लाम जहां पे असल गालिब है उसको भी खत्म कर दिया जाए, उसको भी तबाह कर दिया जाए। आज दुनिया मुसलमानों को कहां से जानती है, इस्लाम को कहां से जानती है, वो अरबों से जानती है। अरब हर जगह पूरी दुनिया में पहुंचे रहते हैं, कोई भी मसला होता है मुसलमानों पर सबसे पहले वो लोग साथ देते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफ्यूजी कैंप है अक्वाम मुत्तहिदा के तहत, जितनी इमदादी वहां के फाउंडेशन है चलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मदद जो करते हैं वो अरब वाले करते हैं, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, इमारात है, ये सब सबसे ज्यादा मदद करते हैं। भाई पैसा उनके पास,
कहां से पैसा आता है? अल्लाह ताला ने उनको दी है दौलत, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं, तौहीद है उनके पास, वो गैरुल्लाह से नहीं मांगते हैं। गैरुल्लाह के हाथ में जो देगा, जो मर गया वो क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो ये यकीन जानिए कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के टारगेट को पूरा करते हैं, इस्लाम का नाम लेकर के, दीन का नाम लेकर के। आप देखिए 2011 के अंदर इन्होंने जो अरब बहारिया के नाम से, अरब स्प्रिंग के नाम से जो बगावत और फितना और फसाद अरबों के अंदर पैदा किया था, उसका मकसद यही था कि इस्लाम जहां थोड़ा ताकत है, मजबूती है मुसलमानों के अंदर, उसको भी खत्म कर दिया जाए, ताकि वो लोग भी जो है अफ्रीका की तरह बन जाएं, वो भी जब अफ्रीका की तरह हो जाए। और कई मुल्क उन्होंने तबाह किया बाकायदा। आज भी कोई भी इख्वानिया जमात इस्लामी का है, उसको जो है अरब स्प्रिंग को, जो अरब बहारिया कहते हैं, अरब बहारिया कह करके खुश होते हैं कि उसको कामयाब नहीं होने दिया गया, उसको कामयाब नहीं होने दिया गया, यानी चाहते थे वो कामयाब हो जाए। आप देखिए कामयाबी के मैं मिसाल बताता हूं। कुछ मुल्कों में इन्हों की हुकूमत कायम हो गई, उसी चक्कर में बहुत सारे लोग उनके फेवर में आ गए कि ये जो ताकुती निज़ाम है, बादशाही निज़ाम है, हम इसको ख़त्म करके यहाँ पे हुकूमत कायम करेंगे और इस्लामी हुकूमत लाएंगे, शरीयत नाफिज करेंगे, ये होगा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आ जाएगा, उमर बिन खत्ताब का दौर आ जाएगा। जी हाँ, इस तरीके से लोगों में, पब्लिक में लोग तकरीरें करते थे, जितने इख्वानी उलमा होते थे ऐसी बातें करते थे। जाहिर सी बात है, मुसलमान जब ऐसा सोचेगा कि उमर बिन खत्ताब का दौर आ जाएगा, इनकी हुकूमत आएगी, उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से इन्होंने मिस्र के अंदर, ट्यूनस के अंदर, यमन के अंदर, इस तरह से कुछ मुल्कों में इन्होंने हुकूमत कायम कर ली। क्या हुआ? मिस्र की मिसाल लो, वहां पे मुर्सी को सदर बनाया गया। कौन है मुर्सी? 2011 से पहले, 5 साल पहले वो आता है मिस्र के अंदर, उससे पहले वो कहां था? उसकी पूरी जिंदगी उसकी औलाद के साथ कहां गुजरी है? अमरीका के अंदर। अमेरिका में पूरी जिंदगी उसकी गुजरी है, वहां की नेशनलिटी उसके पास, उसके सारे बच्चे जो है अमेरिकन नेशनलिटी हासिल करके रखे। वहां पर वो नासा के अंदर नौकरी करता था, जिंदगी भर वहां की गुलामी किया है अमेरिका की। 5 साल पहले वो आता है मिस्र के अंदर और मुल्क का सदर बन जाता है। ये लोग कहते हैं वो शहीद है, वो एक शरई, एक कानूनी सदर, पहली बार जो है मिस्र के अंदर कानूनी सदर बना है। क्या क्या उसकी फजीलत बयान करते हैं। अगर मुल्क का इतना वफादार होता तो अपने मुल्क के अंदर रहता, वहां पर पब्लिक के लिए काम करता, अगर सियासत में आना है तो हाफिज था, कुरान था, ईसा था, वैजा था। ये सब झूठ है, मक्कारी है और कुछ नहीं है। वो बाकायदा अमेरिका के अंदर, ठीक है नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है बात, लेकिन फजीलत को इतना बता रहे, जो हकीकत है वो बतलाओ। वहां पर रह करके अपने मुल्क जो मिस्र है उसके खिलाफ वो जासूसी करता था, साबित है उसकी जासूसियां। मिस्र के कुछ साइंसदान वहां से कुछ स्कीम ला रहे थे, एटमी ताकत और या इस तरह की एनर्जी के तौर पर, उसको इसने बाकायदा जासूसी करके बताया। उन 2-3 मिस्री जो साइंसदान थे उनको वहां पर पकड़ करके उनको कैद कर दिया गया। ये जासूसी नहीं तो और क्या? तो उसको अमेरिका की मदद से बाकायदा वहां का सदर बनाया गया। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो लोग 2011 में वहां तकरीरें करते थे इस्लामी निजाम, शरीयत और ये, बल्कि सफवत हिजाजी जो एक बहुत बड़ा उसका दायां हाथ, राइट हैंड माना जाता था, उसने तो बाकायदा उसकी तकरीर है, उसने कहा कि हम जो है हुकूमत कायम करेंगे तो हमारा जो दारुल खिलाफा होगा, जो राजधानी होगी, वो बैतुल मक़दिस होगी। बैतुल मक़दिस जो कि फिलिस्तीन में है, उसको हम राजधानी बनाएंगे, उसको राजधानी बनाएंगे। हर कोई सुनेगा, अरे इसराइल को खत्म कर दिया जाएगा और वहां पर हुकूमत कायम करेंगे और वहां से हम चलाएंगे हुकूमत को। काहिरा हमारा राजधानी नहीं होगा, बैतुल मक़दिस हमारी राजधानी होगी। इस तरीके से लोगों को धोखा देना, ऐसी बात कहना। लेकिन जब हुकूमत कायम होती है, मुर्सी से टीवी पर पूछा जाता तो क्या बोलता है? ये जब शरीयत वरीयत नहीं नाफिज हो सकती है, अभी वो दौर गया, खत्म हो गया, नऊज़ बिल्लाह। का किसास और हुदूद, जैसे सऊदी में किसास और हुदूद होता है, करे वो सब तो फिक्र में लिखा हुआ है, अभी किसका हाथ काटेंगे, नऊज बिल्ला, ऐसी बात कहता। और उसने कहा है बाकायदा, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ऑलरेडी हमारे पास 1923 का दस्तूर बना हुआ रखा है पार्लियामानी, हम उसी के मुताबिक हुकूमत करेंगे। 1923 में किसने बनाया था?
ये अंग्रेजों के दौर का बना हुआ है, जब मिस्र पर अंग्रेजों का कब्जा था और वो अपनी कठपुतली एक हुकूमत बना के रखे थे। शाह फारूक के दौर में निजाम बनाया गया था और आज भी वहां का वो निजाम चल रहा है। जैसे अंग्रेजों का बनाया हुआ निजाम अक्सर मुल्क में अभी भी चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह में भी अभी वही सब निजाम चल रहा है जो हुकूमती निजाम है। इसी तरह से इंतजामी निजाम है, पुलिस महकमा है, बहुत सारी चीजें सब वही चल रही है। ऐसे मिस्र में भी उनका कब्जा था, वहां भी वही सारे निजाम चल रहा है। और इसने कहा बाकायदा कि वही 1923 का जो बनाया हुआ हिंदुस्तान में 1935 का बनाया हुआ निजाम चल रहा है, आज भी 1935 का बनाया हुआ निजाम चल रहा है। 1935 में कौन सी हुकूमत थी हिंदुस्तान? हिंदुस्तान आजाद ही नहीं हुआ था, उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। लेकिन हुक्मरानी जो निजाम है हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर 1935 का बनाया हुआ है अंग्रेजों के दौर में। ऐसे ही मिस्र के अंदर 1923 में अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ कानून वहां चल रहा। उसने कहा बाकायदा कि हम वही निजाम चलाएंगे। और हुकूमत बनने के बाद इसराइल में क्या किया, अपना एक दूसरा नया जो है सफीर भेजा, उसका नाम मोहम्मद आकिफ, उसको भेजा। और बाकायदा उसको जो है शमून पेरिस को अपना लेटर भी लिखा, बाकायदा मोहब्बतनामा लिखा। ये सब आज भी टीवी पे रिकॉर्ड है, मौजूद है, अल जजीरा पे मौजूद है, कहीं दूसरी जगह नहीं। ये सारी चीजें तो वहां की आवाम जो धोखे में आ गई, जो समझते थे एक ही साल के अंदर देखा पूरा जो है बदहाली सारी चीजें, और एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि पहले से जो है मामला बहुत ही बदतर है। उन लोगों ने बाकायदा मिलियन मार्च निकाला, दसियों लाख की आवाम जो है पब्लिक सड़क पर आ गई काहिरा के अंदर, उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया। कहते हैं कि वो अमेरिका ने खत्म कर दिया, सऊदीया ने मिलकर खत्म कर दिया, नहीं तो वो ये कर देता वो कर देता। ये सब इधर के लोगों का बनाया हुआ झूठ है, ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ के लोग तो आप देखोगे उर्दू में बहुत सारी किताबें पा जाओगे इख्वान अल मुस्लिम, और उनके लोगों को ऐसा लगेगा कि ये लोग कोई सहाबा की जमात है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा देती है, सिर्फ ये हुकूमत और इख्तदार पर कब्जा करना चाहती है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। चाहे वो हमास हो, ये लोग आलेकार होते हैं, दुश्मनों के आलेकार होते हैं। आप देखें ये सारी चीजें नतीजे से समझ में आती है, कौन क्या कह रहा है। हम कुछ भी कह दें, कोई दावा कर दें, तो दावा असल थोड़ी होता है भाई। जमीन पे आपने किया क्या और उसका नतीजा क्या निकला? खासतौर से जो लड़ाइयां होती हैं वो देखा जाता है कि इसमें नुकसान किसका हुआ, बाद में फैसला किया जाता है। पहले कुछ नहीं मालूम होता है कि इसमें किसका हाथ था और इसमें असल दुश्मन कौन है। जब नतीजा सामने आता है तब मालूम होता है कि इसमें कौन था। अब जो रिसेंटली जो हमास वाला मामला है, आप देखें ये लोग करते क्या है। ये क्या ये कोई सामने लड़ने वाली कोई फौज है? बिल्कुल नहीं, अंडरग्राउंड है, इनको कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है इनकी तादाद कितनी है, कौन है, नाम क्या है, कुछ नहीं जानता है। सिर्फ हमास हमास हमास, किसी का कोई नाम नहीं जानता है। लड़ने वालों में कुछ नहीं, सब अंडरग्राउंड है, कहां है, कितने हैं, कुछ नहीं मालूम है। ये क्या करते हैं, कहीं मिसाइल फेंक दिए, कहीं जो है बंदूक डाल दिए या और किसी को मार दिए। उसके बाद जो है क्या करता, इसराइल एक तरफा हमला करता है ये बोल करके कि यहां पे हमासी है, यहां पे हमासी है, यहां पे हमासी हो सकते हैं। अभी देखिए इस वक्त जो है रफा जो बॉर्डर है मिस्र के पास, वहां भी हमला चल रहा है, ये कह करके कि हमासी यहां सब छुपे हुए, ये छुपे हुए हैं, ये कह करके इसराइल टारगेट करता है और फिलिस्तीन को तबाह कर रहा है। एक तरह से पूरे गजा को जुनूब से लेकर के शिमाल तक पूरा तबाह कर दिया, पूरा गजा जहां पर 25 मिलियन मुसलमान वहां रहते थे, 20-25 लाख मिलियन नहीं, 20-25 लाख मुसलमान गजा में रहते थे, पूरा तहस नहस हो गया है। सारी बिल्डिंगें जो दूसरे मुल्कों के इमदाद में बनती सब तबाह हो गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 150 साल तक अगर काम किया जाए तो उस तरह से गजा दोबारा वापस हो सकता है तामीर और आबादी में। 150 साल तक अगर बराबर तामीरी काम करता रहे, इतनी तबाही हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन ये भी अभी भी जश्न मनाते हैं कि जो है हमास जीत गया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भी तबाह कौन हो रहा है, मारा कौन जा रहा है, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? इसमें ना हमास का नुकसान है, इसमें ना इसराइल का नुकसान है। नुकसान किसका है? फिलिस्तीनियों का है, उनकी तबाही है। तो ये दुश्मन इस तरह से काम करता है। इराक में बड़े बड़े जो सुन्नी जो शहर थे वहां पर, उन सारे शहरों को, चाहे वो फल्लूजा हो, सलाउद्दीन हो, दियाली हो, बहुत सारे वहां के यरमूक हो,
जो बड़े बड़े वहां के शहर जो सुन्नी थे उन सबको ऐसे ही तबाह किया गया। यहां पर दाइश है, यहां पे दाइश का कब्जा है, यहां पे दाइश का कब्जा है, और बाकायदा भेजा जाता था, दाइशियों को मौका दिया जाता था, वहां जो सिस्टम होता था वो सारे लोग वहां से भाग जाते थे, उसके बाद वो जाते थे, दाखिल होते थे, पूरे शहर पे कब्जा कर लेते थे। ऐसे ही तमाम शहरों को बर्बाद किया गया, सीरिया में इसे बर्बाद किया गया, यमन में बर्बाद किया गया, लीबिया में बर्बाद किया गया, ऐसे ही फिलिस्तीन को दो हिस्सों में, वहां पर लड़ने वाली जो एक ही पार्टी थी अलफता, उसके बाद जब ये देखा गया कि अब ये सुलह सफाई के जरिए से बहुत इम्कान है कि वहां पर दो हुकूमत कायम हो जाए, फिलिस्तीनियों को एक मजबूत अलग से हुकूमत बना दी जाए, सारी दुनिया करीब थी कि ये कायल हो जाए और जरूरी हो गया था। लेकिन जो उसी वक्त 2007 के अंदर हमास को एक पार्टी के तौर पर पेश किया जाता है और वहां पर इख्तलाफ पैदा किया जाता है, वो लोग वहां पे कोई फौजी की इजाजत नहीं है फिलिस्तीन के अंदर, इन लोगों को सिर्फ इतना ही जाता हूं कि फौजी एतबार से, सफारती एतबार से, हर एतबार से, फजाई हो, जमीनी हो, हर एतबार से इसराइल पूरे फिलिस्तीन पर काबिज है। जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है वो गजा की तरफ या जो इधर मगरबी पट्टी की तरफ, सिर्फ इतना इजाजत है कि ये लोग वहां का जो साधन है, वहां का जो पब्लिक का काम है, और एक जो पुलिस महकमा है, थाना, इतनी इजाजत है लोगों को काबू में करने के लिए, ये अथॉरिटी दी गई है। इसके अलावा करेंसी वहां का चलता है, इसराइल का चलता है, फौजी निजाम वहां का है, सफारती निजाम वहां का है, सब वहां का है, हत्ता कि जो सारी सहूलियात होती हैं, सारी सहूलियात सब देता है। आप देखिए कि वहां पर लड़ाई चल रही थी, इसराइल जो है पानी बंद कर दिया, इसराइल खाना बंद कर दिया, क्या मतलब इसका, सारा सिस्टम, सारी चीजें, सारी सहूलियात इसराइल से जाती हैं। गजा के अंदर कौन सी लड़ाई हो रही है, ये ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर है, इसका हिस्सा है, इसका कब्जा है, हिंदुस्तान का कब्जा है, वहां के लोग बगावत कर दें, अब इंडिया के पास वहां पर बहुत सारी फौजें हैं, दसियों लाख फौजें वहां पे, बीसियों लाख फौजें हैं, क्या होगा, जो बगावत करेगा मारा जाएगा, हर मुल्क का ये उसूल होता है, वो हमला करेगी। वहां पर कोई फौज रखने का की इजाजत नहीं है, क्योंकि एक मुल्क में एक ही फौज होती है, दूसरों को नहीं है, न फतेह को इजाजत है, न हमास को इजाजत है, किसी को इजाजत नहीं है गैर कानूनी तौर पर। लेकिन वहां फिलिस्तीन के अंदर खासतौर से गजा और दूसरे इलाकों में 50 फौजी मिलिट्री वहां पर जो है तंजीमें बनी हुई है जो जिहाद के नाम पर चल रही। इसराइल जो है कुछ नहीं कहता है, क्यों, क्योंकि उन्हीं की बुनियाद पर वो मुसलमानों को तबाह करता है, उन्हीं की बुनियाद पर। उसमें बहुत ज्यादा सब शिया तंजीमें, ये शिया तंजीमें कहां से आती है, चाहे वो इख्वानी तंजीमें हो या शिया तंजीमें हो, यही लोग पूरा वहां पर फौजी तंजीमें बना के रखे हैं मुसलमानों की तबाही के लिए। और गजा पूरा तबाह हो गया, अभी जो है उनकी निगाह इधर मगरबी पट्टी पर भी है, इधर उर्दून की तरफ से भी फसाद फैलाना चाहते थे ये लोग, वहां पर इख्वानी भरे हुए हैं। तो ये टारगेट किसका पूरा कर रहे हैं, दुश्मनों का टारगेट पूरा कर रहे हैं, इसराइल और अमरीका का टारगेट पूरा कर रहे हैं, जो उनका असल टारगेट है मुसलमानों की तबाही और बर्बादी, वो कर रहे हैं वो काम। भाई इस्लाम का उसूल है कि आदमी कमजोरी की हालत में हो तो वो किसी की भी हुकूमत में हो वहां के उसूल और जाब्ते के तहत रहना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और जो तुम्हारा जो असल काम है दीन की तबलीग करना वो करो, उससे मत हटो, अपने दीन पर अमल करो और जितना मुमकिन हो सके उसकी तबलीग करो, दूसरों को भी बताओ, ये असल टारगेट है कमजोरी के हालत में। लेकिन ताकत अगर है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास फौज है, तुम्हारी हुकूमत है, तो उस हिसाब से जो मतलूब है उस हिसाब से अपना काम करो। तो जितनी ताकत है उस हिसाब से काम करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के रसूल 13 साल मक्का में थे, आपने कभी कोई खलफजार, कोई बगावत, कोई खुरूज वहां की हुकूमत के खिलाफ, मक्का की हुकूमत के खिलाफ या वहां के सरदारों के खिलाफ कभी आपने कोई गुटबंदी कोई ऐसी की? बल्कि ये बाज रिवायतों में आता है सही बुखारी वगैरह के अंदर कि बाज सहाबा ने परेशानी को देख करके किस तरह से वो सताए जा रहे थे अल्लाह के रसूल से शिकायत की कि हम लोग जो है कब जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे, इसे कैसे कब तक सताए जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सब्र की तलकीन करते थे कि अभी वक्त नहीं है, सब्र की तलकीन करते थे और मिसालें देते थे पहले अंबिया की, उनकी कौमों की, कि कैसे उनको सताया गया, उनको आरे से चीर दिया जाता था, लेकिन दीन की वजह से वो साबित कदम रहते थे और सब्र करते थे। मदीना के अंदर वहां जब लोगों ने साथ दिया और वहां पर मुसलमानों को आजादी हुई और वहां उनकी जमीयत बनी, वहां उनको ताकत हासिल हुई, तो उस हिसाब से अल्लाह के रसूल ने बाकायदा काम किया।
दीन की दावत के लिए या दीन की दावत की राह में जो रुकावट बने, अल्लाह के रसूल ने उनसे लड़ाई भी की, क्योंकि ताकत थी आपके पास, बल्कि उस वक्त की सुपर पावर ताकतों के खिलाफ आपने जो है फौज लेके गए। तबूक की फौज मशहूर है, तबूक में अल्लाह के रसूल जब 30,000 फौज लेकर के गए थे आखिरी उम्र में, तो बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों से भी आपने टक्कर लिया। तो जितनी ताकत हो सकती है उस ताकत के हिसाब से आदमी काम करेगा, तभी जो है इस्लाम और मुसलमानों के हक में भला होगा। लेकिन ये जज्बात में आकर के, जोश में आकर के आदमी खुद अपना तबाह होता है और अपने पीछे दूसरों को तबाह करता है। ये खुद कुछ हमले जो है इसमें क्या होता है, वो आदमी खुद अपनी आकिबत तबाह करता है, अपनी जिंदगी तबाह करता है, अपने पीछे अपने घर वालों को तबाह करता है और फिर दूसरे मुसलमानों के लिए भी तबाही का बाइस बनता है। क्योंकि जितने खुदकुश हमले होते हैं उनकी निशानदेही होती है खासतौर से फिलिस्तीन के अंदर, तो इसराइल जो है उसका 1,000 गुना ज्यादा तबाही फैलाता है, मुसलमानों को मारता है, और जिस घर का मालूम हो जाता है कि यह फर्द था उसके घर वालों को भी परेशान करता है और तबाह कर देता है। भाई फायदा क्या हुआ तुम्हारा, और ये कौन जायज करार दिया, ये सलमान औदा, ये यूसुफ करजावी और इनके जो बड़े बड़े उलमा है, उन लोगों ने कहा कि खुदकुश हमला जायज है। बल्कि जाकिर नायक से भी मैं तो डायरेक्ट नहीं सुना हूं, किसी ने बताया कि उन्होंने भी कहा जायज है जरूरत के वक्त। ये खुदकुश हमला जो सुसाइड बम्बिंग होती है इसको ये लोग जायज कर देते हैं, जबकि ये क्या होता, कहते हैं कि पहले जो इस तरह से सहाबे कराम और दूसरे लोग थे वो दुश्मनों की फौज में घुस जाते थे, हमला करते थे, मतलब उन वाकयात से ये इस्तदलाल करते हैं, जबकि ये झूठा इस्तदलाल है, सही नहीं है। वो लोग क्या करते थे, बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों की फौज में घुस जाते थे, मारते थे, किसको मारते थे, दुश्मनों को मारते थे अपनी तलवारों से और अपने को नहीं मारते थे। अगर वो मारे जाते थे, शहीद होते थे, तो उनको दुश्मन मारते थे, अपने से कोई नहीं मारता था। पहले के लोग अगर शहीद होते थे चलो ठीक है, दुश्मनों की फौज में घुस जाते थे, लेकिन क्या वो अपने को मारते थे, नहीं, दुश्मन मारते थे। और कुरान भी कहता फयक्तुलून वयुक्तलून, कि ये दुश्मनों को मारते हैं और मारे जाते हैं। तो मारा जाना दूसरे के हाथ से, दुश्मन के हाथ से मारा जाना, इसको शहादत कहते हैं। दुश्मन के हाथ से मारा जाना ये असल शहादत है, अपने हाथ से मारना ये शहादत नहीं है। सुसाइड बॉम्बिंग में क्या होता, आदमी सबसे पहले खुद को मारता है, आग में जलाता है, खुद को आग में जलाता है, उसके बाद मुमकिन है दूसरा मरे या ना मरे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा मरे या ना मरे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कौन मरता है कौन नहीं मरता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आदमी जो बम बांधे हुए अपने जिस्म के अंदर, वो मरेगा जलेगा आग में, ये तो तय है, ये तय है कि वो आदमी मर रहा है। किससे मर रहा है, अपने हाथ से मर रहा है। और खुदकुश इसी को कहते हैं, सुसाइड बम इसी को कहते हैं, खुदकुशी इसी को कहते हैं कि आदमी अपने को मार ले। एक आदमी वाकया एक बयान किया जाता है जो सही रिवायत है, एक जंग के अंदर एक शख्स ने बहुत सारे जो है काफिरों को मारा और लोग उसकी तारीफें करने लगे, अल्लाह के रसूल से बयान किया क्यों, और कहा कि अल्लाह उसको जो है जन्नत मुबारक हो, हनियन लहुल जन्ना। तो अल्लाह के रसूल को मालूम हो गया, अल्लाह के रसूल ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, वो जो है जहन्नम में जल रहा है। लोग ताज्जुब करने लगे, वो इंसान जो दुश्मनों की फौज में जा करके घुस करके उनको मारता था एक तरफ से, उसको इसी बात करें, उसको तलाश किया गया, देखा तो वो जख्मों से चूर था और उसने अपनी तलवार को अपनी तलवार से जो है अपने पेट में दबा करके और खुद मर गया। जख्मों से वो मतलब ताब नहीं ला सका, बर्दाश्त नहीं कर सका तकलीफ, तो वो खुदकुशी करके मर गया, तलवार से खुद ही जो है खुदकुशी करके मर गया, क्योंकि वो तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो जख्मों से चूर था। तो खुदकुशी की वजह से वो जो है जहन्नम में जलने वाला, अल्लाह के रसूल जो है जिहाद करने वाला अल्लाह के रसूल के साथ, उसके बारे में ये है कि उसने अपने आप को मारा तो जहन्नम में चला गया। तो ये लोग जो सुसाइड बम्बिंग वाले हैं ये कौन सा जिहाद करते हैं, कहां कौन सी इनकी फौज होती है, कोई फौज नहीं होती है। ये तो वैसे मासूमों को आमतौर से चाहे वहां पता इनको चल गया कोई मौल है, वहां पर एक दो कोई जो है इसराइली होंगे अपना दुश्मन होगा, ये क्या मुसलमानों को भी अपना दुश्मन समझते हैं, इनका अपना इनके हिसाब से इनका अगर दुश्मन कोई दो चार हैं उस मॉल के अंदर और उसमें हजारों लोग मासूम हैं, तब भी ये वहां पर सुसाइड बम्बिंग कर देते हैं, वहां मरते हैं, पता नहीं कोई इनका जो दुश्मन है वो मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन वहां हजारों लोग उसमें कुछ सैकड़ों लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और लाखों करोड़ों की जो है प्रॉपर्टी तबाह होती है। तो ये इनका काम है,
तबाही और फितना, और इनकी वजह से इस्लाम को जो बदनामी मौजूदा दौर में हुई है इन फसादियों की वजह से, इन खवारिज वक्त की वजह से, उतना कभी नहीं हुई है। जितनी बदनामी इनकी वजह से हुई है, जितने नौजवान मुस्लिम हैं सब जो है वो दाइशी बनते चले जा रहे हैं, वही जहनीत बनती चली जा रही है। जो मुस्लिम हुकूमतें हैं उनको ये लोग बुरा समझते हैं, काफिरों से भी बुरा समझते हैं, यानी अपने मुसलमान जो हैं उनको ये बुरा समझते हैं। जो जमात जो तौहीद पर काम करने वाली है, शिर्क से रोकने वाली है, उस जमात को ये बुरा समझते हैं। ऐसा जो है ये लोग सिस्टम बनाए हैं, ऐसा ये लोग जोश दिलाते हैं घोर पिला पिला करके कि जो अपने जो तौहीद वाले जो नौजवान है जमात अहले हदीस के, ये जो अपनी जमात को बुरा समझने लगते ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जबकि हमें करने के लिए भाई दीनी जमात है, अगर दीनी जमात मान रहे हो तो दीन का काम होना चाहिए, और दीन में सबसे पहले नंबर पे तौहीद का काम है, तौहीद की तरफ लोगों को दावत दो, शिर्क से रोको, बिदात से रोको, और जो बिदाती हो उसे डराओ कि इसके पास मत जाओ, ये असल काम है हमारा। और खास तौर से जब हम अकलियत की सूरत में हो, जब हम गैर मुस्लिम हुकूमत में हो, तो ये हमारा फरीजा और बढ़ जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कुछ इंसानी काम करा के, अरे ये लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, कोई जो है कंबल बांट दिया उसमें, और कोई रमजान में जो है रमजान किट बांट दिया, और जो है जाड़ा आया तो कंबल बांट दिया, कहते बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे भाई तुमसे बड़े अगर यही सबसे बड़ा काम है तो तुमसे ज्यादा अच्छे तो जो ईसाई हैं, ईसाई तंजीमों से ज्यादा तुम थोड़ा काम करते हो। वो इंसानी काम तो कोई भी इंफरादी तौर पर कर सकता है, हमारा तुम फिर तुम रफाही तुम जो है वेलफेयर जो सोसाइटी बना लो, वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन बना लो, उसके नाम पे करो, तुम्हें कौन रोकता है। लेकिन अगर तुम दीनी तंजीम बनाए हो, जमात इस्लामी नाम रखे हो, तो इस्लामी वाला काम करो, सबसे पहले इस्लाम में जो सबसे मुकद्दम है वो करके दिखाओ, तौहीद पर दिखाओ करके। इनकी कोई किताब नहीं मिलेगी जो तौहीद पर किसी ने लिखा हो, शिर्क और बिदात के खिलाफ कोई किताब हो इनके पास कोई नहीं मिलेगी, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो शिर्क और बिदात के खिलाफ बोलने वाला हो, जो तौहीद पर बोलने वाला हो, कोई आदमी इनके यहाँ नहीं मिलेगा। दीन और इस्लाम का जो काम है ये लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जो ऐसा काम जो कामन है सब, चाहे मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, बल्कि गैर मुसलमान वो सबसे आगे है। ईसाई तंजीमें सबसे ज्यादा चैरिटी करती है दुनिया के अंदर, अमेरिका सबसे ज्यादा है डोनेशन देता है, ऐसी चीजों में चैरिटी का काम करता है, सबसे ज्यादा चैरिटी का काम अमेरिका से होता है। क्या मतलब अमेरिका सबसे अच्छा है, अमेरिका जो है सबसे बेहतर हो गया, जमात इस्लामी से भी बेहतर हो गया अगर जो चैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो। आप जाकर के लिस्ट देखो फिलिस्तीनियों की मदद सबसे ज्यादा कौन करता है, नंबर एक पे अमेरिका का नाम है, दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन का नाम है, तीसरे नंबर पे सऊदी और कुवैत और अरब है। क्यों, वो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके यहाँ ज्यादा बड़े डोनर रहते हैं, उनको जो है वहां से ज्यादा आती है। तो क्या मतलब अमेरिका और यूरोप जो है ये लोग सबसे अच्छे हैं, नहीं नहीं, हमारा जो दीन है वो हम उस पर काम करेंगे तब हम अच्छे होंगे। इंसानी काम कोई भी कर सकता है, करना भी चाहिए, लेकिन जो असल मतलब है वो हमें करना चाहिए। क्या उस पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये अपनी जो असल जमात है और जो असल काम है उसको ये लोग लोगों की नजरों में मबगूज बना के पेश करते हैं, ताकि वो कुछ इंसानी काम करा के अपनी तरफ रागिब करें, और फिर वो अपना फार्मूला बना करके। ये आप देखें मिसाल के तौर पॉपुलर फ्रंट जो अभी जिस पर बैन लग गया, इन लोगों ने क्या काम किया, ये लोग खुफिया मीटिंगें करते थे, मैं खुद जानता हूं, और वहां पर इस्लामी खिलाफत कायम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक बंदा कह रहा वो जो है परवीन तोगड़िया उसको मार दें तो कैसा रहेगा, तो मतलब इनके जहनियत दी जाती है ताकि इस तरह के खुराफात और इस तरह से ये लोग बदतमीजी की हरकत करें। ये सब खुराफात इनके जहन में, जो असल काम है ये कभी नहीं करते। इनकी मीटिंगें खुफिया होती हैं, जिसका मकसद गलत होता है उसकी मीटिंग खुफिया होगी। दीन का काम जब खुला हुआ है खुल करके बात करो, खुल करके मीटिंग करो, और फिर उसके हिसाब से काम करो। दीन पर सब बैन हो गया, कितने नौजवान साउथ के अंदर, साउथ इंडिया में कितने हजारों नौजवानों को जो है जेल में डाल दिया गया इसी सुबह में, पॉपुलर फ्रंट के चक्कर में हजारों नौजवानों को, बहुत सारे अहले हदीस भी पकड़े गए, सबको डाल दिया गया जेल में। आज तक किसी का पता नहीं है, उसके खानदान में उसके कोई रिश्तेदारी नहीं करने के लिए तैयार है। कौन सा तुम काम कर लोगे यहां पे, तुम हुकूमत इस्लामी हुकूमत, अरे तुम अपनी एक पार्टी की हुकूमत नहीं कायम कर सकते हो अपने सूबे में, तो फिर तुम जो है पूरे मुल्क पे कैसे हुकूमत कायम कर सकते हो। कोई हुकूमत ये बर्दाश्त करेगी, कोई नहीं बर्दाश्त करेगी कि अंडर तुम एक हुकूमत के अंदर तुम हुकूमत बनाओ। जो असल दीन का काम करना ये नहीं करते हैं, ये सिर्फ उम्मत के लिए तबाही का बाइस बनते हैं। इनकी सारी हरकतें इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जाती हैं, ऐसा काम ये करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई शऊर नहीं होता है, इनके पास कोई अकीदा और कोई तंजीम नहीं होता है, कोई जो है इनके पास सही फिक्र नहीं होती है,
जिस तरह से ये गलत फिक्र के हामिल होते हैं दूसरों के बहकावे में आकर के, ऐसे ही ये नौजवानों को गलत जो है राह पर ले जाते हैं जिससे नौजवान तबाह हो जाते हैं। उम्मत के नौजवान, खासतौर से लेडीज नौजवान उनके फेवर में बढ़ करके, उनके चक्कर में बढ़ करके तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दीन के नाम पर इस तरह की जो तंजीमें हैं गुमराह करने वाली, ऐसी तंजीमों से दूर रहना चाहिए। और अपने जो उलमा हैं जो किताब व सुन्नत की दावत देते हैं, किताब व सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, सही अकीदे की तरफ, सलफ़ के मनहज की तरफ जो बुलाते हैं और दीन इस्लाम की जो सही ताबीर पेश करते हैं, उनसे जुड़ कर रहें और उन्हीं के साथ मिलकर के काम करें, अपने समाज के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो दीन असल है उसको कायम करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फितन व फसाद से दूर रखे, अल्लाह ताला हमें इस्लाह पैदा करने की और दुनिया और आखिरत के अंदर खैर और भलाई करने की कोशिश अता करे। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।